मैं पुरेंद्र क्लास सिक्स के खंड तीन संबंधित कला के संबंध में सातवां चैप्टर संबंधित कला का अर्थ एवं महत्व के विषय में पहला चैप्टर प्रेषित कर रहा हूं। पहला वीडियो इसका प्रेषित कर रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि संबंधित कला क्या है, इसका अर्थ क्या है और पुस्तक कला में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या साधारणता है और इसके बिना पुस्तक कला में क्या उसका महत्व हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास सिलेबस के विषय में हम थोड़ा सा हल्का सा बता रहे हैं। इस सिलेबस में आपका था पहला शास्त्रीय ज्ञान, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा संबंधित कला। तो शास्त्रीय ज्ञान में आपका सिक्स मंथ का जो चैप्टर तीन है वहाँ तक हमने पूर्ण कर दिया है और क्योंकि वह दूसरा आपका क्रियात्मक प्रैक्टिकल है उसको समय अगर मिल सकता है तो उसको भी हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे पूर्व खंड तीन का जो ये संबंधित कला है इसमें हम आज अध्ययन करेंगे और यह सीरियल रूप से आप यानी तीन के बाद ये सातवां नंबर चैप्टर आप उसमें डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। या एक कॉपी जो आप बनाए होंगे उसको दो पार्ट में कर लेंगे, एक तरफ आपका शास्त्रीय ज्ञान रहेगा और आधे से अधिक वाले में क्या रहेगा, संबंधित कला रहेगा। तो संबंधित कला में पहला चैप्टर जो आपका है सातवां नंबर पे संबंधित कलाकार एवं महत्व, तो इसके विषय में आप अध्ययन करेंगे और यह कॉपी जो आप संबंधित कला का बनाएंगे वो शास्त्रीय ज्ञान में ही बने आधा दो भाग में पार्ट करके एक पार्ट में ये लिख लेंगे, दूसरे पार्ट में इसको आपको लिखना है संबंधित कला। ठीक है, तो समझेंगे संबंधित कला क्या है। वह रचना जो मॉडल को सुंदर आकर्षक उपयोगी बनाने में सहयोग करती है उसे ही हम संबंधित कला कहते हैं। वह रचना जो मॉडल को क्या सुंदर आकर्षक एवं उपयोगी बनाने में सहयोग करती है उसे ही संबंधित कला कहते हैं। यह कला रचना अथवा कृति वह भाव उत्पन्न करती है जो अनायास ही मानव को आकर्षित करती रहती है। अर्थात यह है कि ऐसी रचना ऐसी कृति जो मनुष्य उसको देखते ही अनायास ही आकर्षित हो जाए वह कृति ही संबंधित कला कहलाती है। अब इस कला को कला का जो अर्थ है उसको अथवा में भी देख लेंगे कि सजावट तथा चित्रण की क्रिया को भी हम संबंधित कला कहते हैं। सजावट व चित्रण की क्रिया को भी संबंधित कला कहते हैं। अब संबंधित कला का महत्व क्या है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। पुस्तक कला में रेखा चित्र तैयार करना, रंगों का चुनाव करना और रंगों के चुनाव के बाद उस चित्रण को रंगने एवं मॉडल को उपयोगी सुंदर मूल्यवान बनाने के लिए संबंधित कला द्वारा उसे सजावट तथा चित्रण द्वारा सुंदर एवं आकर्षक बनाना बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुस्तक कला तथा संबंधित कला एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए पुस्तक कला में संबंधित कला का विशेष महत्व है। फिर देखेंगे कि जो पुस्तक कला में रेखा चित्र होता है उसका चित्रण करना, रंगों का चुनाव करना, उसके बाद रंगने की जो कला होती है उसके द्वारा किसी भी मॉडल को जनोपयोगी सुंदर आकर्षक बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुस्तक कला और संबंधित कला एक दूसरे के क्या है, एक सिक्की के दो पहलू कह लीजिए या एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, इसलिए पुस्तक कला में संबंधित कला का विशेष महत्व है। अगला है आपका उपयोगिता, यानी संबंधित कला की उपयोगिता क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए
उपरोक्त में इस सजा तथा चित्रण की क्रिया को ही संबंधित कला कहते हैं, यानी पुष्प कला के साथ संबंधित कला को चित्रण हटा दिया जाए, सजावट को हटा दिया जाए तो पुष्प कला एकदम निर्जीव की तरह से लगेगा, अर्थात उसमें किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं रहेगा और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। अर्थात पुष्प कला से संबंधित कला को जोड़ना ही, ठीक है, जोड़ देना ही उस मॉडल को आकर्षक और उपयोगी बनाने में सहयोग करता है। तो इस तरह से पुस्तक कला की उपयोगिता और संबंधित कला की उपयोगिता दोनों एक दूसरे के बिना महत्वहीन है। अर्थात यह कह सकते हैं कि पुस्तक कला में संबंधित कला का विशेष उपयोगिता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, से अगले वीडियो मैं पुरेंद्र आज क्लास 6 के 7वां चैप्टर संबंधित कला एवं उसके अर्थ एवं महत्व का दूसरा वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूँ। इसमें आप संबंधित कला में जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो संबंधित कला में सहायक उपकरण निम्न है। पहला पेंसिल, तो डिजाइन उतारने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जाता है और सामान्यतः डिजाइन के लिए एचबी पेंसिल का उपयोग किया जाता है। साफ करना, कागज को साफ करने, हाथ के पसीनों को सुखाने के लिए साफ कपड़ा आवश्यक होता है। रेग मार्ग या मोटे कागज का खुरदुरा बना होता है और यह पेंसिल को बारीक करने के लिए 0 नंबर का रेग मार्ग उपयोग में लाया जाता है, जो उसे रेग मार्ग जो है पेंसिल को पतला कर देता है। चौथा है ड्राइंग पेपर, यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, ड्राइंग पेपर विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा और सफेद, मोटा सफेद और चिकना कागज ड्राइंग के लिए उचित होता है या अच्छा होता है। अगला आता है आपका प्लेट, तो रंग घोलने के लिए हमें प्लेट की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न रंगों को अलग अलग प्लेटों में हम रख करके घोलते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अगला आता है ड्राइंग बोर्ड, अब यह ड्राइंग बोर्ड क्या है, यह लकड़ी का बना होता है और इस पर पेपर को हम रख करके और पेंसिल की सहायता से रेखा चित्र हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और जो भी ड्राइंग के लिए क्या उचित है, तो ड्राइंग के लिए ड्राइंग बोर्ड जो लकड़ी का बना होता है वह उचित होता है। अगला क्या है, प्याला, तो पानी के रंगों के प्रयोग के लिए 2 प्याले होने चाहिए, यानी कम से कम 2, और रंगों की भिन्नता के आधार पर कई तरह के प्लेट होने चाहिए। रबर क्या है, गलत रेखाओं को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो रबर होता है वह कागज को फटने नहीं देता, अर्थात वह रबर जो मुलायम हो और अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वह अच्छा रबर चित्र कार्य में माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, से अगले वीडियो में मैं प्रोडेंसर आज क्लास 6 का बुककराफ्ट सब्जेक्ट का तीसरा वीडियो और चैप्टर 7 का संबंधित कला का अर्थ एवं उसका महत्व के विषय में तीसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सहायक उपकरण हैं जो आपको संबंधित कला में या पुस्तक कला में सहायक होते हैं। इसके पूर्व में आपने रबर पढ़ा, कागज पढ़ा और प्लेट पढ़ा, इस तरह से इसमें हम पढ़ेंगे
प्लास्टिक या कांच का बना होता है और इसका प्रयोग रेखा खींचने के लिए किया जाता है। यह 12 या 24 इंच के होते हैं। ऊपर की ओर इंच के निशान लगे होते हैं और नीचे की ओर सेंटीमीटर के निशान लिखे होते हैं या मिले होते हैं। तो यह आपका पैमाना या स्केल का वीडियो रहा, वो परिभाषित रहा। अब अगला जो आपका है ब्लेड या रेजर का काम क्या है। ब्लेड या रेजर आप देखते हैं कि टीन या लोहे का बना होता है और इसका उपयोग कागज को काटने, पेंसिल को नुकीला बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला नंबर आता है कैंची। कैंची का प्रयोग हम संबंधित कला में या पुस्तक कला में किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं इसको भी आप समझना है। तो कैंची का प्रयोग हम कागज को काटने और जिंदसाजी कपड़े को काटने में इसका प्रयोग करते हैं। अब यह कैंची दो प्रकार की हो जाती है, पहला बड़ी कैंची और दूसरी छोटी कैंची। यानी जिस कैंची का हमें आवश्यकता होती है उस कैंची के द्वारा हम कागज या कपड़ा की कटाई करते हैं या उसको काटते हैं। दूसरा का है प्रकार। प्रकार की जो वो लगभग समझ लीजिए कि लोहे का या टीन का बना हुआ होता है और इसका उपयोग हम आलेखन में या अर्ध बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद तेरहवां नंबर आता है विभाजक या डिवाइडर। तो विभाजक का प्रयोग हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ठीक ठीक नापने के लिए करते हैं, अर्थात यह दो बिंदु के बीच की दूरी को ठीक से नापने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो पुनः एक बार देखेंगे कि संबंधित कला में सहायक उपकरण कौन कौन से हैं। तो आठ नंबर तक आपने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो नवा नंबर है पैमाना या स्केल यह क्या है। तो यह लकड़ी का बना होता है या कांच का बना होता है और यह 12 इंच या 24 इंच का होता है। इसके ऊपर की ओर इंच तथा नीचे की ओर सेंटीमीटर के चिन्ह गूदे होते हैं। अगला आता है ब्लेड या रेजर। ब्लेड या रेजर क्या है, टीन या लोहे का बना होता है और बहुत ही हल्का होता है। इसका उपयोग हम कागज को काटने, पेंसिल को नुकीला बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कैंची क्या है, इसका प्रयोग कागज को काटने और जिंदसाजी में कपड़े को काटने में प्रयोग किया जाता है। यह कैंची दो प्रकार की होती है, पहला बड़ी कैंची और दूसरी छोटी कैंची। बड़ी कैंची का प्रयोग और छोटी कैंची का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। अगला का है प्रकार है। प्रकार क्या है, इसका प्रयोग ज्यामितीय आलेखन वृत्त या अर्धवृत्त बनाने में करते हैं। और इसके बाद डिवाइडर या विभाजक का नंबर आता है 13 नंबर। तो इसका प्रयोग क्या है, तो ज्यामिति या संबंधित कला या पुस्तक कला में से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ठीक ठीक से नापने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पुरेंद्र आज क्लास 6 के बुक क्राफ्ट सब्जेक्ट के 7वां चैप्टर संबंधित कला का अर्थ एवं महत्व का चौथा और अंतिम वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि संबंधित कला में सहायक उपकरण कौन कौन से हैं उनके विषय में आज अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि इसके पूर्व के वीडियो में आपने
13 उपकरणों के विषय में अध्ययन कर लिए, तो आज 14वां जो आपका उपकरण है अंश मापक या सेट स्क्वायर, इसका प्रयोग हम ज्यामितीय कार्य के लिए करते हैं। अर्थात सेट स्क्वायर का उपयोग केवल हम ज्यामितीय कार्य के लिए करते हैं। 15 है रंग, तो संबंधित कला के अंतर्गत रंगों का एक विशेष महत्व है। अब मार्बल की सजावट डिजाइनों को आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग कई प्रकार के होते हैं, जल रंग, मोमी रंग, तैलीय रंग, पेंसिल रंग और पोस्टर कलर आदि। अगला जो आपका पॉइंट है वह 16वां नंबर है ब्रश का, तो रंग भरने आदि कार्य के लिए ब्रश का उपयोग किया जाता है। और अच्छा ब्रश गिलहरी और ऊंट के बालों द्वारा निर्मित होता है, वही अच्छा ब्रश कहलाता है। अर्थात जब उसे हम रंग में या पानी में भिगोते हैं, अच्छे ब्रश की पहचान क्या है उसको एक बार फिर से सुन लेंगे कि जब हम रंग ब्रश को रंग या पानी में जब हम भिगोते हैं तो उसका जो आखिरी किनारा होता है वह नुकीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नुकीला हो जाता है और वह अच्छा ब्रश कहलाता है। इसके विपरीत एक कड़ा ब्रश होता है जो स्टेंसिल का कार्य करता है, स्टेंसिल बनाने का कार्य करता है, और जब यह कड़े बालों के बाद निर्मित होता है और जब उसे हम रंगों में डुबोते हैं उस ब्रश को, तो वह और भी कड़ा हो जाता है और उसके द्वारा स्टेंसिल का क्या करते हैं, स्टेंसिल कलर करने के काम आता है। अगला जो आता है चाकू, तो चाकू का प्रयोग कागज कपड़ा काटने में तथा स्टेंसिल काटने में करते हैं। और लास्ट है आपका ट्रेसिंग पेपर, तो किसी भी आलेखन हेतु ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता होती है। अर्थात यह पेपर जिस पर आप डिजाइन मॉडल आदि पेंसिल की सहायता से उकेरते हैं, बनाते हैं, इसे ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। और बिना इसके जो भी आपका संबंधित कला में है सारे उपकरण क्या हो जाएंगे, बिना महत्व के हो जाएंगे। ट्रेसिंग पेपर जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे तो सभी जितने भी इसके उपकरण है सब अपने आप में अलग अलग है, सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन ट्रेसिंग पेपर का विशेष महत्व है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में अगले पाठ के